नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पटना की सड़कों पर जीप चलाते नजर आए लालू प्रसाद, शराबी से पैसे मांगने वाला एएसआई हुआ गिरफ्तार। मिजोरम यूनिवर्सिटी में रिजल्ट और नामांकन पर लगा ग्रहण, दारोगा भर्ती में शिकायत पर हाईकोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख। नीतीश सरकार के 16 साल सफर पूरा होने पर जदयू खेमे में दिखा उत्साह। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। पूर्णिया का आशुतोष बना इसरो में साइंटिस्ट। सफलता के लिए अमीरी गरीबी कोई मायने नहीं रखती है, मायने रखता है तो बस आपके लक्ष्य के प्रति आपकी ईमानदारी, आपका मेहनत और संघर्ष। इस बात को बिहार के पूर्णिया के रहने वाले आशुतोष कुमार ने कर दिखाया है। आशुतोष अब इसरो में साइंटिस्ट बन चुके हैं। उन्होंने इसरो साइंटिस्ट की परीक्षा में देश भर में 22वां रैंक लाया है। साधारण से परिवार से आने वाले आशुतोष ने अपने संघर्ष की बदौलत यह मुकाम पाया है और आज अपने जिले पूर्णिया के साथ साथ बिहार का भी नाम रोशन कर चुके हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गृह जिले से ही की, जबकि बाद में ओडिशा से बीटेक और आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया। बचपन से ही साइंस से लगाव रखने वाले आशुतोष एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानते हैं। उनकी इस उपलब्धि से परिजनों में खुशी का माहौल है। दारोगा भर्ती में शिकायत पर हाईकोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख। पटना हाईकोर्ट में दारोगा भर्ती से जुड़ी शिकायत पर सुनवाई हुई है। याचिका के मुताबिक याचिकाकर्ता समेत अन्य कई अभ्यर्थी दारोगा भर्ती के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सफल हुए थे और उन्हें बोर्ड ने फिजिकल टेस्ट के लिए इसी साल 22 मार्च से 12 अप्रैल के बीच बुलाया गया था, मगर कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए उनके अनुरोध पर आयोग ने ही डेट बढ़ाते हुए नया प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया था, जिसके बाद आयोग ने उसे अचानक से रद्द कर दिया था। इस कारण से कई अभ्यर्थी जांच से छूट हैं। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए इसे मनमाना बताया और आयोग को भर्ती प्रक्रिया के मूल अभिलेखों को पेश करने का आदेश दिया। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी। बिहार में मिले 5 नए कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 5 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। तो वहीं इस दौरान एक मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 44 पर पहुंच गई है। इस दौरान अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो सिर्फ पटना जिले से ही इन 5 मरीजों की पुष्टि हुई है। तो वही बात रिकवरी रेट की करें तो राज्य में लोगों के ठीक होने की दर 98.66% है। अब जानते हैं बिहार के मौसम का ताजा हाल। बिहार में पछुआ हवा का बहना लगातार जारी है, जिसकी वजह से राज्य का मौसम शुष्क बने रहने के साथ ही न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट के आसार है। इस बीच उत्तर बिहार में न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री व दक्षिण बिहार में 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। सुबह के समय में घने कोहरे छाए रहेंगे, हालांकि धूप निकलने के बाद मौसम सामान्य हो जाएगा। इधर राज्य के प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण एक बड़ी चिंता खड़ी कर रही है। तो वहीं राज्य के 38 जिलों में पटना बीते दिन सबसे ठंडा रहा। मंगलवार को पटना का न्यूनतम पारा 12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं दूसरे स्थान पर गया का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं राज्य भर के औसत की बात करें तो न्यूनतम तापमान 13 से 16 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। राज्य के 36 जिलों के 55 प्रखंडों में हुआ मतदान। बिहार के 36 जिलों के 55 प्रखंडों में बुधवार को सुबह 7 बजे से 8वें चरण के पंचायत चुनाव की वोटिंग शुरू हुई। हालांकि कई जगह ईवीएम में खराबी के कारण मतदान में देर भी होते दिखे। बताते चले कि पंचायती राज के अंतर्गत जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, सरपंच व पंच के पदों के लिए आज 11,527 बूथों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग होने वाले हैं। इसके तहत शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग के द्वारा भी पुख्ता इंतजाम दिखा और बूथों पर सुरक्षा भी कड़ी की गई है। हालांकि देर रात बक्सर के चौसा में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की भी बात सामने आई। तो वहीं आज नालंदा में चुनाव ड्यूटी में तैनात ईवीएम के मास्टर ट्रेनर की जान चली जाने की भी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक ईवीएम के गड़बड़ी दूर करने के लिए हरनौत के चौड़िया पंचायत सेक्टर में तैनात मास्टर ट्रेनर 55 वर्षीय रविचंद्र किरण की जान बाइक से गिरने की वजह से हो गई। बक्सर में आज से शुरू हुआ पंचकोसी मेला। राज्य के बक्सर जिले में लोक संस्कृति और आस्था पर आधारित फेमस पंचकोसी परिक्रमा मेले की शुरुआत आज से हो गई है। यह 5 दिनों तक चलने वाला है, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हजारों श्रद्धालु परिक्रमा में हिस्सा लेते हैं। इस मेले की शुरुआत बक्सर के अहिरौली से होती है, जिसके पीछे मान्यता है कि भगवान राम ने यहीं पर अहिल्या का उद्धार किया था। तभी से यहां परंपरा बन गई और हर साल बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लाखों श्रद्धालु यहां पर आते हैं और 5 दिन तक चलने वाले इस परिक्रमा मेले में भाग लेते हैं। आपको बताते चले कि 28 नवंबर तक चलने वाला यह परिक्रमा मेला अहिरौली से शुरू होकर चरित्र वन में समाप्त होता है।
बीपीएससी ने लेक्चरर पदों के इंटरव्यू का शेड्यूल किया जारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेजेस लिमिटेड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लेक्चरर पद के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने बीपीएससी के लेक्चरर पदों के लिए आवेदन किया है वे आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर साक्षात्कार का शेड्यूल देख सकते हैं, साथ ही शेड्यूल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये साक्षात्कार 7 दिसंबर 2021 से शुरू होंगे और 16 दिसंबर 2021 तक चलेंगे। यही नहीं, इंटरव्यू 2 शिफ्टों में आयोजित किए जाएंगे। पहले शिफ्ट सुबह 10:30 बजे से होगी तो वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर में 2:30 बजे से शुरू होगी। तो वहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि इंटरव्यू से 1 सप्ताह पहले एडमिट कार्ड भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। बिहार के सभी प्रखंडों को मिली जीवन रक्षक एम्बुलेंस की सौगात। बीते दिन बिहार सरकार की कैबिनेट मीटिंग में 123 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों को भी बड़ी सौगात मिली है। इसके तहत इन इलाकों में स्वास्थ्य संरचना को दुरुस्त करने के लिए जीवन रक्षक एम्बुलेंस मुहैया कराए जाएंगे। फैसले के अनुसार सरकार सभी 534 प्रखंडों को एक एक जीवन रक्षक एम्बुलेंस से लैस करेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में 102 एम्बुलेंस के बेड़े में 1000 नए एम्बुलेंस शामिल करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। इस बारे में कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि 102 एम्बुलेंस के बेड़े के लिए इस वर्ष 250 एम्बुलेंस खरीदी जानी थी। अब 250 एम्बुलेंस के अलावे 750 जीवन रक्षक एम्बुलेंस भी खरीदे जाएंगे। इनमें 534 जीवन रक्षक एम्बुलेंस प्रखंडों को दिए जाएंगे। मिथिला यूनिवर्सिटी में रिजल्ट और नामांकन पर लगा ग्रहण। दरभंगा में स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों का भविष्य एजेंसियों के कारण खतरे में है। यह नामांकन और रिजल्ट जारी करने वाली एजेंसी और विश्वविद्यालय प्रशासन की वजह से छात्र पिस रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए हाल ही में पुरानी कार्यरत एजेंसी को हटाकर नए एजेंसी को रखा गया है। लेकिन पुरानी एजेंसी का कहना है कि एकरारनामे के तहत 2023 तक रिजल्ट प्रकाशन उसे ही करना है, वरना पूरा भुगतान नहीं होगा। इसलिए पुरानी एजेंसी नई एजेंसी को छात्रों के एडमिशन का डाटा नहीं दे रही है। इस वजह से पार्ट 3 समेत अन्य हाल के परीक्षाओं के रिजल्ट फंसे रह सकते हैं। तो वहीं इस मामले में कुल सचिव का कहना है कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। शराबी से पैसे मांगने वाला एएसआई हुआ गिरफ्तार। सूबे की नीतीश सरकार द्वारा घंटों लंबे चले समीक्षा बैठक का कोई असर कई थानेदारों पर अब तक नहीं पड़ा है। शराबबंदी पर एक ओर जहां पर सरकार पुलिस वालों पर भरोसा कर रही, तो दूसरी तरफ खुद सीएम के गृह जिले में तैनात पुलिस वाले ही शराबी से ही घूस मांगते पाए गए। दरअसल यह बात एक वायरल ऑडियो द्वारा पुष्ट हुई है, जो कि नालंदा जिले के हरनौत थाने से जुड़ी हुई है, जहां थाने में पदस्थापित एएसआई चंद्रशेखर शाह और चौकीदार के बेटे मिंटू पासवान ने शराब को लेकर छापेमारी की थी। इस दौरान एक युवक को 2 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया था, लेकिन एएसआई ने युवक को जेल भेजने के बजाय उसके पिता से बेटे को छोड़ने के एवज में 12,000 रुपए घूस की मांग की। साथ ही पैसे ना देने पर घर को सील करने की भी धमकी दी, लेकिन इस बातचीत की ऑडियो को वायरल कर दिया गया, जिसके बाद जांच होने पर एसपी ने थानेदार और चौकीदार के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के 16 साल को बताया जश्न ए फेल्योर। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के शासन के 16 साल पूरे होने पर एक ओर जदयू की तरफ से जश्न मनाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे नाकामयाबी का जश्न बताया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने जदयू द्वारा मनाए जा रहे आयोजनों को जश्न ए फेल्योर बताते हुए मुख्यमंत्री से 16 सालों का हिसाब मांगा है और 21 सवालों की झड़ी लगा दी है। इस दौरान उन्होंने जदयू की तरफ से किए गए चुनावी वायदों और अब तक लागू किए गए योजनाओं से जुड़े सवाल पूछे हैं, साथ ही कई योजनाओं में भ्रष्टाचार की बात कहकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो किसी भी राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी के हैं। पटना की सड़कों पर जीप चलाते नजर आए लालू प्रसाद। कोर्ट में पेशी को लेकर 3 दिन पहले बिहार पहुंचे लालू प्रसाद यादव अपने पुराने अंदाज में देखे गए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद आज सुबह सुबह ही पूर्व सीएम राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड से खुली जीप में बैठकर निकले और इस दौरान उसे ड्राइव करते हुए पास में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा तक गए, जिसके बाद फिर गाड़ी घुमाकर लौट गए। खास बात यह थी कि वे उनकी पहली गाड़ी थी। इस दौरान लालू यादव के जोश को लोगों ने खूब पसंद किया, तो वहीं समर्थक भी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। तो वहीं गाड़ी चलाने के बाद लालू प्रसाद ने ट्वीट भी किया और लिखा कि वर्षों बाद आज अपनी पहली गाड़ी चलाई। यह भी कहा कि इस संसार में जन्मे सभी लोग किसी न किसी रूप में ड्राइवर ही तो हैं। साथ ही लिखा कि आपके जीवन में प्रेम, सद्भाव, सौहार्द, समता, समृद्धि, शांति, सब्र, न्याय और खुशहाली रूपी गाड़ी सबको ले
लेकर सदा मजे से चलती। नीतीश सरकार के 16 साल सफर पूरा होने पर जदयू खेमे में दिखा उत्साह। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे लंबी पारी लगाने वाले नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में उत्साह और जश्न का माहौल है, क्योंकि नीतीश सरकार ने 16 साल के सफर को पूरा किया है। साथ ही सीएम के रूप में नीतीश कुमार ने अपने चौथे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा किया है, जिसे लेकर सभी जिला मुख्यालयों पर पार्टी के द्वारा जन चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो वहीं इस खास मौके पर राजधानी पटना में भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं और पटना म्यूजियम बेली रोड के सामने सीएम नीतीश कुमार का चेहरा सैंड आर्ट के जरिए बनाया गया है। आपको बताते चले कि जदयू के प्रदेश कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में भी जन चर्चा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार पहुंचे ऋतुराज सिन्हा। बिहार बीजेपी के युवा नेता ऋतुराज सिन्हा भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार आज राजधानी पटना पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पर ही बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका जमकर स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा। तो वहीं पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि पार्टी ने हमें जो जिम्मेदारी दी है, जिस तरह की जिम्मेदारी हमें मिली है, हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। बिहार में पार्टी के संगठन को और ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने के लिए कोशिश रहेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि पार्टी ने जो दायित्व दिया है, उस पर खरा उतर सकूं। बताते चले कि ऋतुराज बिहार भाजपा के चर्चित युवा चेहरे रहे हैं। उन्हें जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय मंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जो कि बिहार बीजेपी के भविष्य के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। क्रिकेटर ईशान किशन ने अपने माता पिता को दिया खास गिफ्ट। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई 3 मैचों की T20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप पूरा कर लिया है। अंतिम मैच में केएल राहुल की जगह प्लेइंग 11 में युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को शामिल किया गया था, जिसके बाद ईशान ने 21 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 29 रनों की पारी खेली और कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 69 रनों की साझेदारी की। ईशान के लिए सबसे अच्छी बात यह रही कि उन्होंने ये पारी खेलकर अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दे दिया। वे अपने पेरेंट्स के सामने इस पारी को खेले, जिसके बाद मुंबई इंडियंस ने अपने ट्विटर अकाउंट से ईशान किशन के मम्मी पापा का एक वीडियो भी ट्वीट शेयर किया है। इस दौरान उन्होंने कैप्शन के साथ लिखा कि हमें यकीन है कि ईशान के माता पिता ने कल रात ईडन गार्डन में एक यादगार समय बिताया था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में नीतीश सरकार के 16 साल पूरे होने पर आप सरकार को किन किन योजनाओं के लिए बधाई देना चाहेंगे। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।